दोस्तों शिकारियों की तो दुनिया दीवानी है, पर किसी भी हिरण के पीछे जब शेर शिकार करने भागता है तब हिरण ये सोचता है कि अगर मैं धीरे भागा तो इसका शिकार बनकर मर जाऊंगा। वहीं शेर इस बात से डरता है कि अगर मैं धीरे भागा तो भूख के कारण मर जाऊंगा। दोनों बस अपनी जान बचाने के लिए ही भागते हैं। पर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि शिकारी का भी शिकार कर सकते हैं? तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो खुद की जान खतरनाक शिकारियों से आसानी से बचा सकते हैं। जिब्रा। दोस्तों जिब्रा भले ही कितना भी कमजोर दिखाई दे, पर इसके द्वारा मारी गई लात अगर किसी शिकारी के जबड़े पे सही से पड़ जाए ना तो शिकारी चलने फिरने लायक भी नहीं रह पाते। दोस्तों यूं तो जिब्रा झुंड में ही रहना पसंद करते हैं और इसके स्किन कलर की वजह से शिकारियों को आसानी से दिख भी जाते हैं। उसके बाद भी इन्हें पकड़ पाना आसान नहीं होता। जैसे ही एक जिब्रा को बचाने के लिए दूसरा जिब्रा आ जाता है और होती है लड़ाई, जिसमें जैसे ही शेरनी को लात पड़ती है ना तो अपनी जान बचाकर भागती है, तो जिब्रा को भी शिकार कर पाना इतना आसान नहीं होता। भैंस। दोस्तों भैंस जंगलों में भी बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। जिस प्रकार नॉन वेजिटेरियन के लिए बीफ होती है ना, उसी प्रकार जंगली शिकारियों और शेर के लिए लजीज डिश होती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन शिकारियों को भी मजबूत दिखने वाली भैंसों से फटती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर इन्होंने अपने सिंघों से प्रहार करना शुरू कर दिया ना, इसकी चुकंदर बनना तय हो जाता है। इसलिए यह हमेशा भैंसों के बच्चे और कमजोर मवेशियों पर ही शिकार करना पसंद करते हैं। यहाँ पर सामने आप देख रहे हो कि भैंस ने टाइगर का क्या हालत कर दिया है और कैसे भैंस इन जानवरों को फुटबॉल की तरह उछाल देते हैं। हिप्पोटोमस। दोस्तों हिप्पो या फिर दरियाई घोड़े बहुत अजीबोगरीब दिखाई देने वाले जानवर होते हैं। आपको बता दो कि ये देखने में काफी शांत स्वभाव के जानवर दिखते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दो कि इसे मार पाना अच्छे अच्छे शिकारियों के बस में नहीं होता। हालांकि ये घोड़े काफी गुस्सैल किस्म के होते हैं और यदि इसका गुस्सा आया अच्छे अच्छे शिकारियों को भी नहीं छोड़ते। इनके जबड़े में इतनी ताकत होती है किसी भी शेर को दो भाग कर दे, और कभी भी किसी शिकारी इनके शिकार करने के लिए पहुंचता है ना तो ये जानवर उसका खातिरदारी करने में पीछे नहीं हटते। इसका जबड़ा कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा वीडियो के माध्यम से आसानी से लगा सकते हो। तो भाइयों हमारे हिप्पो को फर्क नहीं पड़ता कि कौन है जो मेरा शिकार करना चाहता है। जिराफ। दोस्तों जिराफ दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक होता है, पर ना तो भगवान ने इस बेचारे को नुकीले दांत दिए हैं और ना ही खतरनाक सिंह, तो फिर ये विशालकाय जानवर अपनी जान बचाए तो बचाए कैसे? लेकिन सच में हैरान हो जाओगे ये जानकर। आपको बता दूं कि ये अपनी लंबी लंबी पैरों से शेर जैसे खतरनाक जानवर को भी जान ले सकता है। जी हाँ जिराफ जैसे ही खतरा महसूस करता है शिकारी को अपने पैरों से रौंदना शुरू कर देता है, जिसमें शिकारी घायल होकर कईयों बार अपना दम तक तोड़ देता है। अगर जिराफ ऐसे करने से चूक जाए तो शिकारी उसे नीचे गिरा देते हैं, और एक बार यदि जिराफ नीचे गिरा तो उठ पाना नामुमकिन सा हो जाता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जिराफ यदि चाहे तो टाइगर को धूल चटा दे, तो बेहतर है कि इनसे दूर ही रहा जाए। पॉर्किपाइन। दोस्तों पॉर्किपाइन बेहद खतरनाक दिखाई पड़ने वाले जानवर होते हैं। साइज में किसी पमेलियन डॉग जितने ही होते हैं, लेकिन इसका शिकार कर पाना अच्छे अच्छे क्या बल्कि किसी भी शिकारियों के बस की बात नहीं होती। पॉर्किपाइन भले ही टाइगर और भेड़ियों को लजीज खाना दिखता हो, लेकिन इसके शरीर के ऊपरी हिस्से में बेहद खतरनाक कांटे होते हैं, जो कि इतने खतरनाक होते हैं कि अगर एक बार भी चुभ जाए ना फिर निकलने का नाम ही नहीं लेते। इतनी तकलीफ देते हैं कि कई बार शिकारी इन्फेक्शन से और तकलीफ से ही मारा जाता है। पॉर्किपाइन से भिड़ने के बाद हालात कैसे हो जाते हैं वो आप सामने ही देख रहे हो। सोचो कितना तकलीफ है इनको शिकार करना। इसलिए कभी भी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए।